सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ LEDs के बारे में जो कि मैंने अपनी हेडलाइट्स के लिए मंगाई है। ये है अपनी, मैंने अमेजोन से मंगाई है, अमेजोन बेस्ड कंपनी है ये, ऑटोविट। मे बी आपको ये मार्केट में मिले भी और नहीं भी मिले, बट ये ऑनलाइन बेस्ड है। सो मैंने ऑनलाइन मंगाई है। H4 सॉकेट है मेरा, H4 एंड H19 ऑलमोस्ट सिमिलर होते दोनों, इसलिए दोनों में ही ये काम करती है। सो चलिए इसकी बॉक्सिंग देखते हैं, अनबॉक्सिंग देखते हैं कैसे क्या है। मैंने अमेजोन से मंगाई, रैपिंग मैंने आउट कर ली है, बट अंदर से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इस पे जो वॉट लिखा हुआ है 110 वॉट पेयर लिखा हुआ है, ये अलग से स्टिकरिंग करी गई है, बट क्योंकि ये भी अलग से स्टिकरिंग है ये भी, तो कहीं ना कहीं कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, बट ठीक भी है। तो जो भी बिके प्रोडक्ट उसकी स्टिकरिंग कर दी। सो चलिए, यहाँ पर सील आती, सील भी मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ बॉक्स में क्या आता है। सो ऐसा कुछ बॉक्स आता है इसका। ठीक है, ये मैनुअल आती है जिसके हमें कोई काम नहीं है। तो अब निकालते हैं अपना मेन प्रोडक्ट। ये है इसका मेन प्रोडक्ट जो कि मेन हाईलाइट है ये इसका। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे आज। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, इसकी भी अनबॉक्सिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, पैकेजिंग अच्छी लगी मुझे, थोड़ी सी यूनिक है, जितना मैंने आज तक मंगाई है उनसे थोड़ी यूनिक लगी। अपना ये H4 सॉकेट है, ये कुछ क्वालिटी है, मेटल बॉडी है। ठीक है, डिज़ाइन एंड सब कुछ सिमिलर है। एक जो कि मैंने पहले एक LED यूज़ करी है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो उससे सिमिलर मिली है मुझे, बट देखते हैं यूज़फुल कैसा है। देखो क्वालिटी में थोड़ा सा अनइवन है, पीछे देख सकते हैं, बट ठीक है। ऑटोविट की ब्रांडिंग हो रखी है, ब्रांडिंग तो यार हर कोई करा रहा है, बट रिस्पॉन्स में फ़र्क देखते हैं 110 वॉट की LED क्या है। क्योंकि मेरे पास, मेरे में ऑलरेडी लगी हुई है जो फैबटेक की है, क्रिस्टलाइट, जो कि फैबटेक नेम से यूज़ होती है ना। सो वो भी देखते हैं इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। सो देखिए, इंस्टॉलेशन ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं मैं, इंस्टॉलेशन का क्या देखना सब, अगर आपको देखनी है मैं लिंक डाल दूंगा बटन में, वहाँ से देख लीजिएगा। सीधे मिलेंगे हम इसके रिस्पॉन्स में कि क्या रिस्पॉन्स देती है। बात करें LEDs की, क्वालिटी वाइज हैवी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये सिमिलर डिज़ाइन है जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो कुछ ऐसा सच नया नहीं है डिज़ाइनिंग में। ठीक है, मेटल फैन अपना कवर्ड है मेटल से। ठीक है, सो मिलते हैं सीधे। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, रात हो चुकी है। ठीक है, मैं थोड़ा गाड़ी को सेंटर में लगा लेता हूँ, फिर मैं इसकी हेडलाइट ऑन करूँगा। फॉग लैम्प बंद रखेंगे क्योंकि फॉग लैम्प में प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो वो हेडलाइट को थोड़ा सा फीका कर देंगे, बट एनीवे हम चलो चालू करते हैं। पहले फॉग लैम्प बंद, ये सिर्फ हेडलाइट ओपन करूँगा मैं। सो ये कुछ रिस्पॉन्स है हेडलाइट का। ठीक है, एंड इसका हाई बीम करता हूँ मैं, ये हाई बीम है। देखो पर्सनल ओपिनियन में मुझे ठीक लगी, बट यार अनइवन है थोड़ी इसकी लाइटनिंग जो है ना, जो एक होता है जैसे उधर वाली लाइट अलग ही जा रही है, ये अलग ही जा रही है, तो थोड़ा अनइवन वाला चीज़ें लगी मुझे। आई डोंट नो क्यों है, क्योंकि इसकी देखो थोड़ा दूर तक है, इसका थोड़ा यहीं पर है। मे बी हो सकता है मैंने लाइटनिंग में गड़बड़ करी हो, बट ऐसे तो मैंने नहीं करी है। देखो लाइट जैसे इंस्टॉल होती है प्रॉपर, अपनी वही इंस्टॉल है, सेम है इधर भी, तो ये चीज़ें तो नहीं है इशू, बट हो सकता है इस लाइट में ही स्पेसिफिकली डिफेक्ट हो। बट हाँ, ये लो बीम पे है गाड़ी। ठीक है, तो लो बीम से आप आइडिया ले सकते हैं कि इसका बीम उधर साइड का जो मुझे सही लगा वो थोड़ा थ्रो लंबा है, जो होता है इसकी हेडलाइट में कोई कमी हो इस वाली लाइट में, बट कोई नहीं। इसके हाई बीम मैं करके दिखा देता हूँ क्या रिस्पॉन्स देती है ये। ठीक है, ये हाई बीम है। हाई बीम में देखो एक चीज़ मुझे इशू लगती है, वो ठीक है हमारे लिए मतलब फॉग लैम्प कवर कर लेगी, बट जिसके में हाई बीम का ही ऑप्शन है, मतलब फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें ये दिक्कत है। यहाँ पर स्पेस है ना यार, ये खाली कर देती है और ये आगे बीम छोड़ देती है। बीम अच्छी है, रिव्यू वाइज ठीक है। हाँ, वो वाली हेडलाइट अगर थोड़ी अच्छी चलती तो मे बी शायद ये ओके है मेरे लिए, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पसंद आई, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, क्योंकि हो सकता है वो उधर की वीकनेस की वजह से नहीं पसंद आ रही हो मुझे। बट ये ही कुछ रिस्पॉन्स है इसका, ये देखो, ये देखो, ये कुछ वो वीक ही है। देखो आप उधर देखो, वर्क पूरा कर रही है सेम एज इट इज, इतना स्पेस इसने कवर किया हुआ है, जैसे अलग जो स्पेस है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा स्पेस कवर्ड है, पर जो लॉन्ग थ्रू जाना चाहिए दूर तक वो सिर्फ इस वाली लाइन में जा रहा है, इस वाली पे नहीं जा रहा, ये देखो, है ना। थोड़ा सा आगे करके देखते हैं, क्या पता चीज़ें इधर ही सेट कर लेते हैं थोड़ी गाड़ी। हाँ,
ठीक है, सेंटर में है वैसे गाड़ी तो। यार देखो मैं तो, हाँ आप बेटर है, सॉरी मेरी ही गलती थी कि मैंने गाड़ी थोड़ा की साइड एक्स्ट्रा शायद खड़ी थी गाड़ी मेरी, हो सकता है इसलिए भी इधर जा रहा होगा। बट अब ओके ओके रिपोर्ट है, सारा इधर भी सेम है, इधर देख सकते हैं रिव्यू सेम है, ठीक है। रात के साथ दोस्तों वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब हो रही होगी, अंदर से वीडियो बनाता हूँ, यहाँ से देखते हैं फिर देखो, ठीक है। लोबीम का स्प्रेड कमी है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं, देखो यहाँ पर मेरा इधर लाइट है, स्प्रेड ठीक है कम है ना, हाई बीम का जो थ्रो है वो बढ़िया है, इसकी लाइटिंग फिर भी कम है, मतलब लाइटिंग से कम ही समझूंगा, क्योंकि इसकी लाइटिंग देखो इधर बहुत तेज है और इस साइड वाली कम है। सो यही कुछ रिव्यू है इसका, ठीक है। अभी ऑन रोड भी ले चलेंगे, ठीक है, ऑन रोड भी मैं दिखा दूंगा आपको क्या इसका रिस्पॉन्स है क्या नहीं। सो मिलते हैं ऑन रोड वीडियो पे। सो गाइस ये कुछ रिस्पॉन्स है इसका, हेडलाइट बंद है, ये चालू है, सिर्फ हेडलाइट चालू है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो फॉग लैंप का ऐसे आता है, पहले बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको लगेगा कि फॉग लैंप चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो हाई लो, इसका हाई बीम है, ये लो बीम है, कहाँ तक जा रहा है आपको जस्टिफाई हो ही रहा होगा, क्योंकि साइड में जो रिफ्लेक्टर्स लगे हैं उससे आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। सो ये मुझे ठीक है, अच्छी लगी नो डाउट। देखो प्राइस पॉइंट 3400 है इसके अकॉर्डिंग, 3200-3400 है उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा ज़्यादा लगा, इसकी जगह मैं फैपटेक सॉरी इसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हाइपर ड्राइव लें, तो 3500 के बजट में आपको वो हाइपर ड्राइव आ जाएगी, तो हाइपर ड्राइव ज़्यादा बेटर है, तो मैं तो उसी को सजेशन दूंगा, बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि ये लेनी चाहिए तो ये ले सकते हैं आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कुछ भी कमेंट हो आप प्लीज़ मुझे बताएं क्या हम बेटर कर सकते हैं या कुछ क्वेश्चन है तो। सो मिलते हैं नई वीडियो से, बाय बाय।